कि अगर खुशी ही मनाना है ना तो हम और आप उस तरह भी खुशी मना सकते हैं कि जैसे कोई गमगीन है तो उसके गम के हिस्सेदार बन जाएं, ये सबसे बेहतर खुशी है। बहुत सारी बेटियां ऐसी होगी कि जिसके सरों से बाप का साया उठ चुका होगा, आप एक बाप के तर्ज अमल पर जाकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट का हिस्सा बन जाएं, ये भी बेहतर खुशी का सबब होगा। बहुत सारी कौम की बेटियां ऐसी होगी कि जिनके सरों के ताज उजड़ चुके होंगे, अगर आप जाकर इस अंदाज में अगर उनकी खुशी का सबब बन जाएं कि अल्लाह अकबर उन्हें कोई ऐसी चीज लाकर दे दें और किसी रिश्तेदार के जरिए भिजवा दें जो उनकी खुशी का सबब बन जाए, उनके गम की दूरी का सबब बन जाए, ये बेहतरीन खुशी हो सकती है। सैकड़ों यतीम बच्चे ऐसे होंगे कि जो आज के दिन अपने बाप का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उस बाप का साया उठ चुकने की वजह से आज उसके चेहरों पर खुशी के आसार न होंगे। अगर आप जाकर उसके सर पर हाथ ही फेर देंगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी यतीम के साथ अगर शफ़क़त करते हुए उसके सर पर हाथ फेरो और जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें इतनी ही नेकियां अता फरमाएगा। यानी इस अंदाज में भी खुशी मनाई जा सकती है। बहुत सारे गरीब ऐसे होंगे कि जिनके वारिसों के चले जाने के बाद, जिनके खास घर के बड़े चले जाने की वजह से आज उनके पास नए कपड़ों का भी इंतजाम नहीं होगा। अगर आपसे मांग सके नई जोड़ी लाकर या नई जोड़ी के पैसे ही लाकर अगर आपने दे दिए तो ये सबसे बेहतरीन खुशी का सबब बन सकता है। हमारे यहाँ ये बुजुर्गों ने करके दिखाया। ईद उल फितर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। हमने और आपने कमा इस ईद का मतलब ही नहीं समझा। आज का दिन आम ऐलान होता है और कितना बड़ा ऐलान, अल्लाह हू अकबर। और कौन ऐलान कर रहा है? जिसकी शान वो खुद बयान करता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह ही के लिए है। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहि मुल्क वहुआ आला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी बरकत वाला वो है कि जिसकी शान ये है अल्लाह अकबर, कि सारी की सारी कुदरत ताकत ये सब उसी के दस्ते कुदरत में है।